हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज हम नए वीडियो के साथ आए हैं। हम आज का वीडियो है हमारा पोमोग्रेनेट अनार का पेड़ पे। अनार के जो प्लांट को हम आज उसकी केयर, उसका रिपोर्टिंग सब करेंगे। सो वेलकम टू माय चैनल। सो आप देख सकते हो ये नर्सरी से लाया हुआ पौधा। ऑलमोस्ट 1 ईयर ओल्ड है। अब इसका टाइम आ चुका है कि हम इसे लाइक रिपोर्ट करें और अच्छी जगह पे अच्छे कंटेनर में करें। सो प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सॉइल मिक्स। हम सॉइल मिक्स बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। हम लेंगे गार्डन सॉइल 50%, 30% वर्मी कंपोस्ट, 20% कोकोपीट और एक 10% नीम पाउडर। बस ज़्यादा हमने मिक्स नहीं करना है। अगर आपके पास दूसरे ऑप्शंस हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें हम हो सके तो एक फंगिसाइड मिक्स कर देना, वो भी ज़्यादा अच्छा होगा। ट्राइकोडर्मा या जो जो भी आपके पास अवेलेबल हो मिक्स कर दीजिए, बट सिंपल और बेस्ट रखिए जिससे कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। जो जिस लोगों को मतलब ज़्यादा ऑप्शन ना हो वो डर जाते हैं कि हमारे पास ये सब नहीं है। कुछ नहीं, ये चार चीज़ें कहीं पे भी मिल जाएंगी। अगर वर्मी कंपोस्ट ना हो तो हम काउडम मेन्यूअर भी ले सकते हैं। सो आप देख सकते हो मेरी सॉइल ऑलरेडी रेडी करके मैंने रखा हो, क्योंकि मेरे पास कैमरा पकड़ के मैं बना नहीं सकता था, इसलिए मैंने ऑलरेडी बनाकर कंटेनर में रखा हूँ। और हमें अब इसको प्लांट को रिपोर्ट करना है। देख सकते हो सॉइल अच्छी तरह से मतलब काफ़ी भुरभुरी है, मतलब इजी हाथ में आ जाएगी। ऐसा घट नहीं है, तो ऐसी रहना चाहिए अपनी सॉइल जिससे कि रूट अच्छी तरह से फैले। तो उसमें हमने ऐसा कि बताया हमने, ये है हमारा कोकोपीट जो हमने उसमें एक 20% मिक्स किया था। उसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा जो है हमारा सॉइल मिक्स में, वो है वर्मी कंपोस्ट जो हमने 30% लिया है, और हमारे पास है नीम केक पाउडर जो हमने 10% लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे इसकी नीम केक पाउडर की इंफॉर्मेशन के लिए दूसरे वीडियो देखो जिसमें मैं भी डालूंगा अगर चाहिए तो, उसमें बहुत सा इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको। बट अभी तो फिलहाल हम खाली सॉइल मिक्स में क्या क्या डालते हो, तो अभी मैं इसको रिपोर्ट कर देता हूँ कैमरा थोड़ी देर ऑफ करके, क्योंकि मुझे थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, तो देख सकते हो ऐसा मैंने मट्टी सॉइल रखा है और इसके अंदर हम इसे काट कर डाल देंगे। जो हमारा नर्सरी का जो पैकेट है वो काट कर हम इसमें रिपोर्ट कर देंगे। सो हमने इसे नर्सरी के पैकेट से निकाल दिया है और हमने इसको अपने कंटेनर में शिफ्ट कर दिया है। तो कंटेनर में शिफ्ट करने बाद हम देखिए थोड़ा थोड़ा उसको गैप रखेंगे जिससे कि हम उसमें वाटरिंग कर सकें। और पहले ऐसा रखे बाद इसको हम इसमें थोड़ा सा नीम केक पाउडर और वर्मी कंपोस्ट फिर से मिक्स करेंगे जिससे कि उसे जो रूट्स को है जल्दी से जल्दी से उसे जो भी पावर मिल सके और अच्छी से ग्रोथ हो सके। तो वो हम मिक्स कर देंगे और फिर से हमारे सॉइल उसके ऊपर डाल देंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी इजी है ग्रो करना। पोमोग्रेनेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमारा कंटेनर साइज़। जितना बड़ा कंटेनर रहेगा उतने अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, आपको छोटे कंटेनर में बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, बट जितना बड़ा कंटेनर उतना अच्छा, इसलिए मैं इसे एक बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर रहा हूँ। देखिए मैंने इसे सॉइल मिक्स से पैक कर दिया है और हमें डालना है, बट अभी थोड़ा सा मेरे पास सॉइल मिक्स कम है तो मैं इतना ही छोड़ दूँगा और इसको हम आगे ग्रो करेंगे। तो इसका ये जो है हमारा अभी जो रिपोर्टिंग का है, तो रिपोर्टिंग होते ही हम इसमें जब इसमें अच्छे से एक लकड़ी लगा देंगे जिससे कि हम हवा से वो झुक न जाए, क्योंकि थोड़ा हाइट का पौधा है और जो हवा से टूटने के ज़्यादा इशू हो सकते हैं क्योंकि हम इसे टेरिस पे रखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो वर्मी कंपोस्ट है कितना अच्छा है, ये वर्मी कंपोस्ट हमने इसे मिलाया है। तो ये जो है अभी पॉटिंग का हो गया और इसका जो केयर है हमारा, जो हम पॉटिंग के मिक्स अभी हम इसको वाटरिंग कर देंगे। फर्स्ट टाइम थोड़ा वाटरिंग ज़्यादा करेंगे। और हाँ, वन मोर थिंग, आपने जो पॉट होता है उसमें एक होल ज़रूर कीजिए, एक ज़्यादा होल किया भी तो अच्छा है, एक होल ज़रूर कीजिए जिससे कि एक्सेस वाटर निकल जाए, और हो सके तो थोड़ा सा ऊपर कीजिए जिससे कि थोड़ा सा रिजर्व वाटर भी रह सके उसमें। अगर हम वाटर ना दिए तो कुछ दिन के उसमें एक दिन के लिए वाटर भी रह सके। तो लेकिन होल बहुत ज़रूरी है। तो इसका केयर के लिए हम यही बोल रहे हैं कि जो अब हमने लगा दिया है, लगा दिए बाद क्या करना है, मेन हमें अभी वाटरिंग करना है अच्छी तरह से। फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा वाटर करना पड़ेगा हमको, ऐसा वाटर करना है कि जिससे इसके अंदर का जो एयर गैप्स है वो निकल जाए जिससे कि हमारा जो प्लांट है
मतलब ना मरे, तो इसलिए मैंने पहली बार जो है आज अच्छी वाटरिंग कर दूंगा इसको, थोड़ा डीप वाटरिंग कर देंगे, जिस इतना वाटरिंग करेंगे कि वाटर हमारा जो ड्रेनेज होल है वहाँ से आना शुरू हो जाए। और आप देख सकते हो वाटर के बाद वाटर वहाँ पे जल्दी से चले जाना चाहिए, मतलब वो वहाँ पे जमना नहीं चाहिए। वैसा सॉइल मिक्स बनाने से हमारा प्लांट ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करेगा, क्योंकि उसे थोड़ा ऑक्सीजन भी मिलते रहेगा मिट्टी थोड़ा लूज़ रहने से। अगर टाइट मिट्टी रहे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसी तरह मैं इसमें वाटरिंग कर देता हूँ। अब इसके बाद होता है इसका पोस्ट केयर का। अब हमने तो इसे लगा दिया, फिर क्या करना है हमें, हर 15 डेज़ में इसकी सॉइल को टॉपअप करना है। 15 डेज़ डिपेंड, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप 1 मंथ में एक बार भी कर सकते हैं। टॉपअप सॉइल में हम क्या करेंगे, सेम सॉइल लेंगे, सेम सॉइल जो हमने इसके पहले मिक्स की है, जिसमें हमारा 30% मतलब 50% जो सॉइल था उसकी अगर हम कम कर देंगे इस बार सॉइल का जो रेशियो है, और सब इक्वल बना देंगे। तो हम यूज़ करेंगे एक 20% गार्डन सॉइल, 20% कोको वर्मी कंपोस्ट और नीम पाउडर। कोकोपीट की ज़रूरत अभी नहीं रहेगी, अगर आपको चाहिए तो आप मिक्स कर सकते हो, क्योंकि कोकोपीट में कुछ पावर नहीं होता है, बस हमें सॉइल को लूज़ रखने के लिए और लाइट वेट रखने के लिए मिक्स करते हैं। तो जैसे जैसे आप टॉपअप करेंगे उसमें उतना ज़रूरत नहीं रहेगा, बट आपकी सिस्टम आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हो अगर ऐड करें तो। ये हमें हर 15 डेज़ में उसे एक दो दो मुट्ठी, तीन तीन मुट्ठी एज़ पर दी कंटेनर साइज देते रहना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टास्क आता है हमारा नीम ऑयल। तो हर 15 डेज़ में मंथ में एक बार कंपलसरी हमें नीम ऑयल स्प्रे करना है, ताकि हमारे प्लांट को किसी भी तरह का मतलब डिजीज़ ना आए। तो ये काफ़ी अच्छा होता है, इसमें आपको रेडीमेड नीम ऑयल भी मिल जाएगा। अगर आपको रेडीमेड नीम ऑयल नहीं मिल रहा है तो आप अपने नीम के पत्तों से भी बॉईल करके बना सकते हो वो नीम ऑयल, अगर वो चाहिए तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये हमें कंपलसरी करना है। नीम ऑयल से हमारा प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेगा। तो बिना भूले 15 डेज़ में एक बार, नहीं हो सका तो 1 मंथ में एक बार हमें अच्छी तरह से उसे स्प्रे करना है, एकदम नला अच्छी तरह से पूरा प्लांट को स्प्रे कर देना है। जैसा हमने नीम ऑयल स्प्रे करा उसी तरह हम एग ऑयल भी स्प्रे कर सकते हो। एग ऑयल प्रिपरेशन बहुत ईजी है, अगर आपको एग ऑयल प्रिपरेशन नहीं पता है तो उसका वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। तो आप बिना भूले एग ऑयल भी स्प्रे कर सकते हैं 15-15 डेज़ के बीच में, जिससे कि आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो। तो जब हम ये सब केयर करेंगे तब हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी अच्छे फ्रूट्स आएंगे। आप देख सकते हो कंटेनर में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है, ऐसा नहीं कि हमें ज़मीन ही चाहिए, बट कंटेनर में हमें ये सब देखना पड़ेगा, हमें उसका प्रॉपर केयर करना पड़ेगा और अच्छे फ्रूट्स हमें मिल सकते हैं। उसी के साथ हमें अगर ऑप्शन हो तो बटर मिल्क भी हम स्प्रे कर सकते हैं। बटर मिल्क को कैसा स्प्रे करना है उसके वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। तो बहुत से ऑप्शन है, जैसा जिसके पास ऑप्शन है वो कर सकते हैं। अगर किसी के पास सॉइल मिक्स मतलब ये टॉपअप में वर्मी कंपोस्ट नहीं मिल रहा है तो हम काउ डंग मैन्योर भी यूज़ कर सकते हैं। बट याद रखें कि हम आज काउ डंग जो यूज़ करते हैं हम 6 मंथ ओल्ड हो, ऐसा नहीं कि हमने सुखा दिया और सुखा कर बस यूज़ कर दिए, नहीं, हमें 6 मंथ तक उसे कंपलसरी रखना पड़ेगा। क्योंकि हमें दिखाई देगा नहीं, बट अंदर जब वो कंपोस्ट होना शुरू करेगा तो उसके अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए अगर हम कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं हम काउडंग का, तो उसे 6 मंथ ओल्ड सूखा वाला यूज़ करें। तो यही था हमारा वीडियो डेली केयर का। अगर मैं कुछ भूल गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बोल दीजिए, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे अदर वीडियोस भी देखिए आप मेरे गार्डनिंग के, जिससे आपको मेरे मिस्टेक से सीखने को मिलेगा और आप भी अच्छी गार्डनिंग कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।